बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, बाकी जो टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे वो है डीसी टू एसी कन्वर्टर्स की। जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें हमने कवर कर लिया तकरीबन सारे जो सिंगल और थ्री फेज रेक्टिफायर्स हैं, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो कन्वर्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है डीसी टू एसी कन्वर्टर्स। अब डीसी टू एसी कन्वर्टर्स को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि एक साइड हमारे पास डीसी है और दूसरी साइड जो है वो एसी है। ठीक है, हमने कोई सोर्स अप्लाई किया यहाँ पे वीएस, और यहाँ से हमें कोई साइनोसाइडल आउटपुट मिलती है इस टर्मिनल पे। ठीक है, वो टाइम वेरिंग है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है डीसी टू एसी कन्वर्टर्स की। अब डीसी टू एसी कन्वर्टर्स को फिर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी आउटपुट हो सकती है सिंगल फेज, हम किसी सिंगल फेज लोड को इससे ड्राइव कर सकते हैं, या फिर हम कोई थ्री फेज लोड ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर हम कोई थ्री फेज लोड ड्राइव करना है तो हम फिर एक थ्री फेज इन्वर्टर जो है जिसमें आउटपुट आपके आपको एक और टर्मिनल मिलेगा, थर्ड फेज, थ्री तीन फेजेस आपको मिलेंगे जिसे हम वी ए वी बी वी सी इस तरह के नाम दे सकते हैं इन तीन फेजेस को। तो सिंगल फेज जो टोपोलॉजी है इनको इसको हम पहले डिस्कस करेंगे और इसी से फिर हमारे पास बनती है थ्री फेज की जो टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सोर्स जो है से हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, टाइम इसमें वेरिएशन नहीं है, इस तरह इसको हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी और सबस्क्रिप्ट एस से। अच्छा, अब सिंगल फेज में हमारे पास, हम फर्दर इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि हमारे पास है एक हाफ ब्रिज, हाफ ब्रिज टोपोलॉजी है, और एक हमारे पास है एक फुल ब्रिज टोपोलॉजी। ठीक है, हाफ ब्रिज एसी डीसी टू एसी कन्वर्टर और फुल ब्रिज डीसी टू एसी कन्वर्टर्स जो है ये हमारे पास कॉमन है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हाफ ब्रिज डीसी टू एसी कन्वर्टर से और फिर आगे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। तो हाफ ब्रिज में हमारे पास दो स्विचेस हैं और इन स्विचेस को हमने कनेक्ट किया हुआ है सोर्स के साथ कुछ इस तरह से। लेट्स से हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है उसका हाफ इधर है और हाफ इधर है, और इस पॉइंट के आगे हम कनेक्ट करते हैं लोड। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं लोड, इसके क्रॉस वोल्टेज को हम कहते हैं वी नॉट, और ये कनेक्ट होता है इस मिड पॉइंट के साथ यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर मॉस यहाँ पे जो भी स्विच है इसको हम लेट्स से Q1 कह देते हैं, और लिटरेचर में आपको अल्टरनेटिव वर्ड नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हाई साइड, इसको जब रेफर करते हैं तो इसको कहते हैं हाई साइड, और लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ Q2, तो इसको नॉर्मली से लो साइड। ठीक है, तो लो साइड और हाई साइड इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किस मॉस्फेट को बताया जा रहा है, किसकी तरफ इशारा है, तो किसको रेफर किया जा रहा है, तो इसलिए नाम यूज़ करते हैं
हाई साइड मॉसफेट, लो साइड मॉसफेट, जब जब ये स्विचेस हम रिप्लेस कर देते हैं किसी मॉसफेट से या आईजीबीटी से, किसी भी कंट्रोल्ड स्विच से। तो इसका ऑपरेशन इस तरह से है कि हमारे पास जो हाई साइड को कंट्रोल करता है एक सिग्नल, उसे लत हम कह देते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं यू का, एक बाइनरी सिग्नल है। और इसी तरह लो साइड को जो करता है वो कंप्लीमेंट्री होता है हाई साइड के, तो इसको हम यू प्राइम कह देते हैं। तो एक ट्रुथ टेबल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है हमारे पास। कॉम्बिनेशंस हमारे पास यूँ बनती है कि अगर हमारे पास यू और यू प्राइम है तो ट्रुथ टेबल में अगर यू वन है तो यू प्राइम ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, और वी नॉट के ऊपर क्या आएगा, और फिर जब यू ज़ीरो है और यू प्राइम वन है तब वी नॉट के ऊपर क्या आएगा। तो लेट हमारे पास जब ये केस है कि यू वन है तो इसका मतलब ये स्विच क्लोज हो जाएगा और यू प्राइम जो है ये ओपन रहेगा। तो इसको अगर आप ट्रेस करें इस केस को, तो आपके पास जो वी एस ओवर टू है उसका प्लस एंड कनेक्टेड है वी नॉट के प्लस एंड के साथ, और ये नेगेटिव एंड कनेक्टेड है इस वी एस बाई टू के नेगेटिव एंड के साथ। तो इसका मतलब हमारे पास वी नॉट पे आ रहा है वी एस बाय टू। और अगर हम अल्टरनेट कॉम्बिनेशन लें, इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन लें वो कॉम्बिनेशन ये है कि वो कॉम्बिनेशन ये है कि हम इसको लोअर स्विच को क्लोज करें और अपर स्विच जो है उसको ओपन रखें। तो लोअर स्विच को क्लोज करते हैं और अपर स्विच ओपन है। तो अब कैसे कनेक्शन बनता है, ये हमारे पास वी नॉट के प्लस वाली साइड के साथ वी एस बाई टू का नेगेटिव एंड कनेक्ट हो गया और यहाँ पे कनेक्ट हो गया उसका इस नेगेटिव एंड के साथ उसका पॉजिटिव एंड कनेक्ट हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब ये कॉम्बिनेशन है तो वी नॉट पे आता है माइनस वी एस बाई टू। तो जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड था तो प्लस वी एस बाई टू था, और अब हमारे पास माइनस वी एस बाई टू आ गया जब हमने इस कनेक्शन को रिवर्स कर दिया। सो इनफैक्ट इन्वर्टर यही कर रहा है कि इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको स्विच कर रहा है प्लस वी एस बाई टू और माइनस वी एस बाई टू। तो अगर वेव फॉर्म की इसको इसकी वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें, तो वेव फॉर्म ड्रा करके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हो ये रहा है कि हमें इस यूनिपोलर वी एस से एक बाईपोलर वी नॉट जनरेट कर रहे हैं। सो लेट लेट ये हमारे पास है सिग्नल यू, और ये हमारे पास है यू प्राइम, और ये हमारे पास ओमेगा नॉट टाइम्स टी हम कह देते हैं इसको। तो से पाई तक हमारे पास यू वन है और पाई से टू पाई तक फिर यू ज़ीरो है, और फिर यहाँ से आगे मीन्स ये वन और ये ज़ीरो। ओके, अब हमारे पास क्योंकि यू कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये वहाँ पे वन होगा जहाँ पे यू ज़ीरो है, और जहाँ पे वन है यू वहाँ पे ये ज़ीरो होगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होगा उसका। तो
इस टेबल से अब हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फॉर्म है वी नॉट की इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में वी नॉट टी वो बनती है वी एस बाई टू प्लस वी एस बाई टू, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रही है वो ये वाली है, और फिर माइनस वी एस बाई टू क्योंकि यू प्राइम वन है, इसी तरह फिर वी एस बाई टू। सो ये जो वेव फॉर्म हमारे पास अभी बनी है ये है वी नॉट की। तो एक बाईपोलर वेव फॉर्म हमारे पास बन गई है आउटपुट की, और जो हालांकि इनपुट हमारे पास एक यूनिपोलर सिग्नल था वी एस। ओके, अब हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास लोड अगर है रेजिस्टिव तो सिंपली आउटपुट क्या होगा, यही वेव फॉर्म जो है आउटपुट की सिर्फ स्केल हो जाएगी, मीन्स ये हमारे पास है वी नॉट ओवर आर। अगर हमारे पास है रेजिस्टिव लोड तो यही वेव फॉर्म होगी, स्क्वेयर वेव फॉर्म होगी सिंपली आर से, आप उसको स्केल कर देते हैं तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो बन जाती है स्क्वेयर वेव फॉर्म, सिर्फ स्केल हो जाती है उसका जो श्रिंक हो जाएगा, लेवल उसका जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज किसी किसी सिस्टम को, किसी लोड को, तो आप नॉर्मली कहते हैं कि इतनी आरएमएस वोल्टेज जो है वो आपने अप्लाई कर दी। ठीक है, नॉर्मली इसकी आरएमएस वोल्टेज आपको बताई जाती है कि इतनी आरएमएस वोल्टेज अप्लाई करें, तो इसमें इसकी आरएमएस वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो इट्स सिंपल के आपके पास वी नॉट है इक्वल्स टू वी एस ओवर टू व्हेन ओमेगा नॉट टी इज बिटवीन 0 to π एंड माइनस वी एस बाई टू व्हेन ओमेगा नॉट टी इज बिटवीन पाई टू 2π। तो ये वी नॉट की हमारे पास रिलेशन है, और वी नॉट को हम लिख सकते हैं, वी नॉट आर एम एस को हम लिख सकते हैं, हमारे पास इस हाफ ले लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है तो हाफ पीरियड ले लेते हैं, मतलब पाई तक। सो 1/π मैं कंसिडर करता हूँ, 2π तक नहीं जाता, और इंटीग्रेट भी करता हूँ फ्रॉम 0 to π, और जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है वो है वी एस बाई टू इस दौरान, सो इट्स वी एस ओवर टू, और स्क्वेयर करना है हमने क्योंकि हम आर एम एस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं टाइम्स डी ओमेगा नॉट टी, और फाइनली हमने इसका अंडर रूट ले लेना है। तो सिंपली वी एस ओवर टू स्क्वेयर जो है ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और इसका इंटीग्रल जब आप लेंगे तो वो बन जाएगा ओमेगा नॉट टी, और उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिलेशन, सो वी एस बाई टू ही इसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो हमारे पास बनती है। तो ये आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एक और चीज़ जो कि आगे एनालिसिस के लिए हम अभी अभी से डेवलप करते जाएंगे वो ये है कि अगर हमारे पास लोड चेंज होता है, अगर लोड हमारे पास चेंज होता है, लेट्स से इंडक्टिव आ जाता है या आरएलसी लोड आ जाता है, कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन आ जाती है हमारे पास, तो हमें उसको एस्टिमेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर जो अभी हमने ड्रॉ किया कि जैसे ये हमारे पास लोड है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट है,
तो इस एनालिसिस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो ब्रिज है वोल्टेज फ्रॉम दैट ब्रिज दैट हाफ ब्रिज, अगर हम ये यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करें वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये वोल्टेज जो है लेट मी कॉल इट लेट्स से सम वी ए बी, तो ये वोल्टेज अगर हम कहें कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं इस लोड को, तो हम उस पूरे ब्रिज को हटा के सिर्फ उसकी वेव फॉर्म को यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी जो वी नॉट आ रहा है, अभी जो वेव फॉर्म आ रही है वी नॉट की, वो ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सर्किट यहाँ पे लोड जो भी है, लेकिन इसको अप्लाई कर रहे हैं हम एक सोर्स जिसकी VS/2 और -VS/2 के बीच उसकी उसकी पल्सेस जो है वो चेंज हो रही है, +VS/2 -VS/2 के बीच टॉगल कर रही है उसकी उसकी वैल्यूज, मतलब एक स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने सर्किट को, उसमें से जो नॉन लीनियर पोर्शन है स्विचेस का वो निकाल के हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ यूँ बना सकते हैं। अब लोड हमारे पास जैसे जैसे चेंज होता जाएगा उसी तरह से करंट जो है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन हम इसी वेव फॉर्म से इस लेट मी कॉल इट वी ए बी, इसी वी ए बी से हम करंट को एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज। तो इन अदर वर्ड्स हमें वी नीड टू नो फोरियर सीरीज ऑफ वी ए बी। ये जो वी ए बी है इस टाइम पे वी नॉट एक्चुअली वी ए बी है, तो ये वी ए बी असल में इसमें से हमें करंट की इक्वेशन मिल सकती है। और अब अगर हम ये लोड लेट्स से हमारे पास आगे जाके आर एल बनता है या फिर आर एल सी बन जाता है, तो उन केसेस में फिर हम करंट को अगर एस्टिमेट कर सकते हैं तो फिर हम ये बता सकते हैं कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, ये चीज़ें फिर हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फोरियर सीरीज जो है लेट्स से हम फाइंड करते हैं इस वी नॉट का, यहाँ पे जो वी नॉट है, या मैं उसको फर्दर आगे के लिए वी ए बी कह रहा हूँ, सो फोरियर ऑफ वी ए बी। ओके, तो हमने फोरियर के अंदर क्या चीज़ें फाइंड करनी होती है, एक हमने डीसी कंपोनेंट फाइंड करना होता है जिसे हम नॉर्मली ए नॉट कहते हैं, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है ये वेव फॉर्म तो फोरियर सीरीज का ये जो कंपोनेंट है, जो डीसी कंपोनेंट है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया जो है वो इक्वल है। अब अगर हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बी एन वो फाइंड करते हैं, तो बी एन हमारे पास लेट्स से ए एन फर्स्ट फाइंड करते हैं, ए एन कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ए एन अगर फाइंड करते हैं तो हमारे पास है 2/π, मैं हाफ साइकिल ले रहा हूँ पाई का, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक है वेव फॉर्म, हाफ हाफ वेव सिमेट्री है इसमें। सो फ्रॉम 0 to π, और इस दौरान जो फंक्शन है अगेन VS/2, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको कॉज ऑफ एन ओमेगा टी के साथ, टाइम्स डी ओमेगा टी। तो अगर मैं कहीं पे ये ओमेगा नॉट और ये चीज़ स्किप कर रहा हूँ तो इसको कंसिस्टेंट बना दीजिएगा बाद में। ओके, तो हमारे पास है VS/π, और अगर हम इस कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, ये टू साथ में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास VS/π, और इस कॉस को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक एन आ जाएगा चेन रूल से।
वो यहाँ पे आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं साइन ऑफ जीरो या साइन ऑफ पाई इन फैक्ट माइनस साइन ऑफ जीरो एन टाइम, सॉरी एन टाइम्स पाई। तो क्योंकि साइन ऑफ जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, और साइन ऑफ पाई, अब एन क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, एन क्योंकि इंटीजर है, तो हमारे पास साइन ऑफ पाई इज़ ज़ीरो, साइन ऑफ 2 पाई इज़ ज़ीरो, 3 पाई, 4 पाई, दे आर ऑल ज़ीरो। सो इट मीन्स के ए एन जो है वो हमारे पास है ज़ीरो। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो वी नॉट है, वी नॉट इज़ या वी ए बी इज़ एट द मोमेंट ऑड सिमेट्रिक। क्योंकि ये ऑड सिमेट्रिक है तो इसके अंदर जो इवन कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, तो कॉज एक इवन फंक्शन है, इस वजह से उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। सो लेट्स टॉक अबाउट बी एन। बी एन अगेन इसी तरह से फाइंड करेंगे, 2 ओवर पाई, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई, वी एस ओवर 2, और सिर्फ कॉस की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस टाइम, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सिंपल, उधर कॉस को रिप्लेस कर दिया हमने साइन से। इसमें से अब फाइंड करते हैं बी एन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ हमारे पास आ जाएगा वी एस ओवर एन टाइम्स पाई, और आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 0 माइनस कॉज ऑफ एन टाइम्स पाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन है बी एन के लिए, और क्योंकि हमें पता है कॉज ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 1, कॉज ऑफ 0 हमारे पास हमेशा 1 होगा, और ये जो दूसरी टर्म है कॉज ऑफ एन पाई, इसको सिर्फ समझना है। कॉज ऑफ एन पाई अगेन इस चीज़ को इंश्योर करना है कि एन हमारे पास है 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंटीजर वैल्यूज़। तो अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो कॉज ऑफ पाई बन जाएगा ये, और कॉज ऑफ पाई मीन्स अ -1, फिर इसका मतलब होगा -1, और -1 इस नेगेटिव के साथ प्लस हो जाएगा, और यू विल गेट 2 टाइम्स वी एस ओवर एन पाई। लेकिन अगर लेट्स से 2 है, वैल्यू 2 यूज़ करते हैं, सो फिर कॉज ऑफ 2 पाई इज़ +1, और उसका मतलब फिर ये 0 है। तो मैं इसको एक शॉर्ट नोटेशन में लिख देता हूँ कि बी एन हमारे पास है 2 टाइम्स वी एस ओवर एन पाई व्हेन एन इज़ 1, 3, 5 या ऑड, एंड इट इज 0 व्हेन एन इज 2, 4, 6 एंड इट मीन्स इवन। तो हम लिख सकते हैं कि जो वी ए बी है हमारे पास वो है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, वो इज समेशन एन इक्वल्स टू ऑड टू इन्फिनिटी 2 VS ओवर एन पाई टाइम्स साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ये हमारे पास फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ गई है वी ए बी की। सो अब अगर हमारे पास लेट्स से कोई भी लोड आता है यहाँ पे, इसकी जगह कोई भी किसी भी तरह का लोड आ जाता है, तो हम सिंपली फिर करंट को लिख सकते हैं। लेट्स से करंट इसमें से है
आई नॉट कह देते हैं। सो फिर हम लिख सकते हैं कि आई नॉट इज दिस वी ए बी ओवर दी इम्पिडेंस जी, ठीक है। फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास है समेशन एन इक्वल्स टू ऑड टू इन्फिनिटी टू वी एस ओवर एन पाई साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी ओवर जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन, इससे हम फाइंड कर सकते हैं आउटपुट करंट की वैल्यू। और अगर आउटपुट करंट हमें पता, ये जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो इससे फिर हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स, और चीज़ें जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाएंगी अगर हमें ये फूरियर पता है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को, ये काफ़ी दफ़ा जो है वो यूज़ होंगी ये फूरियर इसका। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ये ज़रूरी है कि जो स्विचिंग सिग्नल हमने अभी यहाँ पे बनाया, ये आइडियल सिचुएशन है। ये हमने एक से हाफ वेव इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, और हमने इनकी सिग्नल्स को यू और यू प्राइम ये नाम दिए। यहाँ पे है वी एस बाई टू, यहाँ पे है वी एस बाई टू। तो आइडियल स्विचिंग सिग्नल क्या है? आइडियल स्विचिंग सिग्नल के मुताबिक हमारे पास एग्जैक्टली कंप्लीमेंट हम ले रहे हैं यू और यू प्राइम, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर यू लो हो रहा है उसी पॉइंट पे यू हाई हो रहा है, और जबकि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जिस पॉइंट पे यू प्राइम लो हो रहा है यू उस टाइम पे हाई हो रहा है। तो ये हमारे पास है आइडियल सिग्नल, आइडियल स्विचिंग सिग्नल या गेट कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये। रियलिटी में ये चीज़ जो है नहीं हो सकती एग्जैक्टली इस तरह से, लेकिन क्योंकि हम चीज़ों को समझने के लिए के स्टेज पे है, इसलिए हम आइडियल ये सिग्नल यूज़ करते हैं। होता क्या है कि अगर हमारे पास दो स्विचेस ये एक साथ अगर ऑन हो जाते हैं, अगर ये दोनों एक साथ ऑन हो जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, ये दोनों अगर क्लोज हो जाते हैं तो हमारे पास एक क्लोज पाथ बनता है इस तरह से। इसका मतलब दोनों मॉस्फेट के क्रॉस या स्विचेस जो भी है आईजीबीटी है उसके उसके क्रॉस ये सोर्सेज आ जाएंगे वी एस बाई टू, वी एस बाई टू जो कि वी एस, और आपने सिंपली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इन मिली ओम्स हैं, तो वो बहुत कम रेजिस्टेंस और ये ज़्यादा वोल्टेज जो है एक हाई करंट जो है इसमें से फ्लो कराएगी, और स्टेट को हम कहते हैं शूट थ्रू स्टेट। और जो करंट इसमें से फ्लो करता है नॉर्मली हम उसको कहते हैं क्रो बार करंट। तो ये करंट फ्लो कर सकता है अगर दोनों एक साथ ऑन हो जाए और ये एक अनडिजायर्ड स्टेट है जो कि हम कभी भी अचीव नहीं करना चाहते हैं, हम हमेशा इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल स्विचिंग वेव फॉर्म जब होती है हमारे पास, हमने मॉस्फेट की करेक्टरिस्टिक्स में ये डिस्कस किया था कि जो टर्न ऑन डिले है, मतलब इवन अगर आप अप्लाई कर भी दें ये जो सिग्नल है स्विचिंग सिग्नल ये अप्लाई कर भी दें, तो कुछ टाइम के बाद वो रिएक्ट करता है और फिर उसका कुछ राइज टाइम होता है, और सी में सॉरी VGS में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ये एक्चुअल सिचुएशन होती है, और यहाँ पे कई लत से उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है
तो यहाँ तक तो वो ऑन नहीं है। और अगर आप एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री केस लेते हैं और दूसरी जो सी में लो साइड का मैं बता रहा हूँ, लेट्स से मैं लो साइड, ये है लो साइड, लेट्स से अगर मैं लो साइड के लिए ये बना रहा हूँ गेट सिग्नल, तो हाई साइड का जो है अगर एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री रखते हैं, मतलब इस पॉइंट से आगे अगर हम उसको वो करते हैं एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री अगर करते हैं, तो इसका मतलब एक ऑफ नहीं हुआ होगा और दूसरा जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है असल में मॉस्फेट को या आईजीबीटी को ऑन ऑफ करती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि हमें पता है कि इस तरह से राइज करती है, एकदम से बिल्कुल इस तरह से नहीं राइज करती या इस तरह से नहीं ड्रॉप होती, ये तो आइडियल है और ये इससे एक्चुअल है। तो इस वजह से हमें बीच में थोड़ा सा टाइम देना होता है ऑन और ऑफ के बीच के, एक के ऑन होने से पहले और दूसरे के ऑफ होने के बाद, जिसे हम नाम देते हैं डेड टाइम का। डेड टाइम क्या है कि लेट्स से हमारे पास है यू कुछ इस तरह से, तो यू प्राइम हमारे पास है 0 है, ओके मैं इसको रेड में बना देता हूँ, ये है यू, यहाँ तक यू प्राइम अब आइडियल केस में यहाँ से 1 होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम इसको हम एक्स्ट्रा देते हैं और इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम, लेट मी रिप्रेजेंटेड बाय सम टी डी। तो इस ये एक्स्ट्रा टाइम हम दे देते हैं और इसके बाद हम इसको हाई कर देते हैं। तो अब ये एक्स्ट्रा टाइम किस काम के लिए है कि ये जो आउटगोइंग मॉस्फेट है या आईजीबीटी है ये पहले ऑफ हो जाए कंप्लीटली, लेट इट ऑफ कंप्लीटली, और फिर उसके बाद आप हाई करते हो लो साइड को। सिमिलरली जब आप इसको लो कर देते हैं, तो अब ये जो दूसरा है इस पॉइंट से नहीं हाई करते एकदम से, आप इसको टाइम दे देते हैं यही इतना टी डी, और उसके बाद आप इसको हाई कर देते हैं, इसका मतलब आप इसको अब वो टाइम दे रहे हैं ऑफ होने का। तो ये हमारे पास जब भी आप प्रैक्टिकली इन्वर्टर बनाते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और ये डेड टाइम सेट करते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ें गेट ड्राइवर आईसी के अंदर, जो गेट ड्राइवर आईसीज हम यूज़ करते हैं मॉस्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए, उसमें हमारे पास होता है प्रोग्रामेबल डेड टाइम। तो प्रोग्रामेबल डेड टाइम से मुराद ये है कि आपके पास जो आईसी है उसमें कोई एक पिन के साथ आपने किसी सर्टेन वैल्यू का रजिस्टर लगा देते हैं और इस रजिस्टर से आप सेट कर सकते हैं डेड टाइम की जो लेंथ है कि कितना कितना ज़्यादा डेड टाइम, क्योंकि डेड टाइम मॉस्फेट टू मॉस्फेट जो है वो चेंज होगा। कुछ मॉस्फेट के लिए आप लेट्स से 100 नैनो सेकेंड चाहिए होगा, कुछ के लिए 200 नैनो सेकेंड। तो इस वजह से प्रोग्रामेबल डेड टाइम का मतलब यह है कि आप इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉस्फेट।